को इस बात का इंतजार है कि 31 मई को लॉकडाउन खुलेगा या फिर उसकी मियाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन काशी वासियों को इंतजार है तो बस इस बात का कि लॉकडाउन खुले या बढ़ाई जाए, लेकिन बड़े मंदिरों में दर्शन की अनुमति मिल जाए। इन्हें सब पशुपेश के बीच देश के हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से देवालयों के खोले जाने की मांग की है। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें कई राष्ट्रीय पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इस बैठक में देवालयों के खोले जाने के संबंध में चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि देवालयों को खोले जाने के लिए पीएम और सीएम से अपील की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, लेकिन केवल काशी वासियों को दर्शन के लिए जरूर अनुमति दे। आपको बता दें कि विश्व की धार्मिक राजधानी काशी में एक अच्छी खासी श्रद्धालुओं की संख्या वर्षों से नियमित दर्शन का लाभ लेते हैं। लॉकडाउन के परिस्थिति में वो ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में वो अपने इष्ट से इस दूरी को मानसिक तौर पर सहन नहीं कर पा रहे हैं। अरुण पाठक ने कहा कि जब बड़े से बड़ी बीमारी में डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और अंत में भगवान पर भरोसा करने को कहते हैं, बड़े से बड़े आपदा में भी लोग भगवान को याद करते हैं और राहत पाते हैं। न्यायालयों में भी बड़े से बड़े मुकदमे में निर्णय से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। यहाँ तक कि अदालत में गवाही से पहले ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, उस वक्त देवालयों को खोलना धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में सशर्त बाजार खुल रहे हैं, मदिरालय खुल रहे हैं, तो सशर्त देवालय में दर्शन पूजन का भी छूट देना चाहिए। काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर ऐसे मंदिर हैं जिसमें नियमित दर्शनार्थियों को ध्यान में रखकर देवालयों को खोला जाना चाहिए, जो सर्वथा न्यायोचित है। आपको बता दें कल लॉकडाउन का चतुर्थ चरण पूरा हो रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से विश्व हिंदू सेना निवेदन करना चाहती है कि इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार का मुसीबत आता है तो वो भगवान के शरण में जाता है। कोई जब बीमार होता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है, तो डॉक्टर अपना काम करने के बाद बोलते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आगे आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है और वहाँ गवाही इत्यादि भी दिलानी होती है, तो वहाँ भी ईश्वर की शपथ ली जाती है। तो फिर इस देश में मदिरालय खुल गया, अब न्यायालय भी खुल गया, तो फिर देवालय क्यों नहीं खोला जा रहा है? लोग कह रहे हैं कोरोना प्राकृतिक आपदा है। जब ये प्राकृतिक आपदा है तो इससे रक्षा और कौन कर सकता है? किस साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च कर लिया है कि उसके पास प्राकृतिक आपदाओं का भी जवाब है? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो गया है विश्व में जो प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत दिला सकता है? अगर ऐसा करना में कोई सक्षम है तो हमारे धर्म के मान्यताओं के अनुसार स्वयं श्री हरि ऐसा करने में सक्षम है। और देवालयों पर ताला पड़ चुका है, जब सबसे अधिक लोगों को अपने प्रभु की आवश्यकता है, जब सबसे अधिक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसे समय में भगवान का घर बंद कर देना ये न्याय नहीं है। अब कल लॉकडाउन का चतुर्थ चरण खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री जी से, शासन से, प्रशासन से, सभी लोगों से विश्व हिंदू सेना प्रार्थना करती है कि हमारे देवालयों को तत्काल खोल दिया जाए। शर्त रख दीजिए, कठोर से कठोर शर्त रख दीजिए, जनता उसका पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह जनता इस कोरोना महामारी से हॉपलेस हो चुकी है, उसका एक ही रास्ता है कि वो अपने अपने इष्ट के मंदिरों में जाके प्रार्थना करें, उनको जरूर राहत मिलेगी। इसलिए जल्द से जल्द समस्त देवालयों को खोला जाए और जितने पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि के जो कार्यक्रम हैं, इनको तत्काल शुरू कराया जाए। जब यज्ञ इत्यादि होगा, जब हवन इत्यादि होगा, तो हमारा वायुमंडल और शुद्ध होगा और जो है प्रदूषण पर कंट्रोल लगता है हवन इत्यादि से, तो
जल्द से जल्द सारे हमारे धार्मिक आयोजनों को शर्तों के अनुसार ही सही किंतु चालू करने का निर्देश सरकार दे। इसी सिलसिले में आज विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय कमेटी का पदाधिकारियों का बैठक था। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय कमेटी की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक के अलावा उपाध्यक्ष अरविंद चौरसिया, महासचिव विपिन ओझा, प्रवक्ता काशीनाथ शुक्ल, सचिव दिग्विजय चौबे, कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव व मीडिया प्रभारी कमलेश दुबे आदि उपस्थित रहे और सभी ने इस बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।